गाइस एक बार फिर से स्वागत है हीरो हैकर में। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखिए। पेटीएम केवाईसी, पेटीएम मिनी केवाईसी एंड पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन के सारे रिलेटेड इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को पूरा देखते हो एंड यूट्यूब का क्या, किसी भी प्लेटफॉर्म का किसी भी चीज़ आप लोगों को देखने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि मिनी केवाईसी, ओके गाइस, जो मिनी केवाईसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया। अगर मिनी केवाईसी किसी को करना है, 1 सेकंड के अंदर उस डिस्क्रिप्शन में वीडियो उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी जाके कर लो। ओके गाइस, बहुत सारे लोगों का सवाल ऐसा आ रहा है कि मेरा अभी 18 साल नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, अभी मिनी केवाईसी करके रख दूँ, उसके बाद उसको केवाईसी का कन्वर्ट कर लूँ। लेकिन गाइस वो नहीं होगा, क्योंकि आपको जिस मतलब कि आधार कार्ड से या जिस वोटर आईडी से आप लोग मतलब मिनी केवाईसी करोगे, उस वोटर कार्ड से आपको केवाईसी करना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट जो क्लोज हो जाएगा। आपका एक पैन कार्ड मतलब एक वोटर आईडी वो है मतलब फेंका जाएगा, मतलब कुछ काम का नहीं होगा। तो मिनी केवाईसी जो लोग करने वाले हो ध्यान से कर यार, ऐसा नहीं कि आपके पास जितना भी नंबर है मिनी केवाईसी कर दो, एक रियल अकाउंट बना लो जैसे कि मेरे तरह। ओके गाइस, मिनी केवाईसी ऑल क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उस वीडियो को देख लो। सिंपली पेटीएम केवाईसी के बारे में आप बात कर लेते हैं तो गाइस सिंपली उसके बाद मैं बताऊंगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक कैसे ओपन करता है। लेकिन गाइस यहाँ पर से एक बात और, अगर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो गाइस ज्वाइन हो जाओ। एंड यहाँ पर से तो एमपीएल मोड वर्जन से एंड सब कुछ टिप्स ट्रिक वगैरह आपको सबसे पहले लूटो पर मिल जाएगा। ओके गाइस, तो गाइस आप लोग घबराए मत, टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ ना, लूट वीडियो सबसे पहले यहाँ पर से मिल जाएगा। केवाईसी यहाँ पर से देख सकते हो, केवाईसी का कुछ यहाँ पर से रूल्स है। आपको केवाईसी करने के लिए वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कुछ एक जॉब कार्ड, ओके गाइस, इस चारों चीज़ आप लोगों के पास होना चाहिए, नहीं तो आप लोगों का पास केवाईसी नहीं होगा। आधार कार्ड का कोई वैल्यू इधर नहीं है यानी गाइस। अगर आप पेटीएम सेविंग मतलब पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन करना चाहते हो तो पेमेंट्स पैन कार्ड जरूरी है। ओके गाइस, अगर आप पेटीएम केवाईसी करना चाहते हो तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब होना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर से सेविंग बैंक ओपन करते हो तो पैन कार्ड, ओके गाइस। उसके बाद यहाँ पर से तो स्टेट इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओपन करके देख लेना। जैसे कि यहाँ पर से अभी भी कह रहा हूँ कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है केवाईसी नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है जो पेटीएम को बहुत सारा परेशान करके रखा था, तो वो सब डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ पर से मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर ले, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर से सब लोग अपना सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट जो है कर लेना। मेरा यहाँ पर से डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है बेंकुड़ा, लेकिन यहाँ पर से बेंकुड़ा है ही नहीं, मतलब कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक जो है केवाईसी चालू नहीं हो। लेकिन गाइस घबराए मैं, 1 जनवरी से सब कुछ सॉल्व हो गया, धीरे धीरे होता जाएगा। गाइस क्या करना होगा, जब भी आपको केवाईसी का प्रॉब्लम ना, डेली डेली इस लिंक को एक बार चेक करते रहना एंड देख लेना कि आपका डिस्ट्रिक्ट अपडेट हुआ है कि नहीं। ओके गाइस, अपडेट होने में टाइम नहीं लगेगा, 15 दिन के अंदर, 1 से 15 तारीख के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास और भी कोई स्टेट है तो देख लेना, आपके बहुत सारे जगह पर हो रहा है, बहुत सारा सारा जगह पर हो रहा है। ओके गाइस, केवाईसी का भी हो गया। अब आते हैं बारी मिनी केवाईसी में बोल रहा हूँ। अब आते हैं जिसका मतलब कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक नहीं हो ओपन हुआ, किस किन लोगों का पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन होगा, किस किन लोगों का नहीं हो वो भी मैं बता दूंगा। अगर आपके पास केवाईसी फुल्ली मतलब कि हो गया तो आपको क्या करना होगा, सेविंग अकाउंट में आ गया है, ओके गाइस, आप पहले से केवाईसी करके रखे हो लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक अभी तक पेंडिंग में, तो गाइस आपको आ जाना है पेमेंट्स बैंक में। ओके गाइस, तो यहाँ पर से मेरा ये रियल अकाउंट है, मैं अपना मिनी केवाईसी ओपन करके दिखा देता हूँ। सो गाइस ये जो है मेरा मिनी केवाईसी, ओके गाइस, यहाँ पर से केवाईसी नहीं है तो केवाईसी आपको पेटीएम पेमेंट्स बैंक ओपन करना होगा। अगर ये आपका केवाईसी वाला अकाउंट है तो आपको सेविंग बैंक यहाँ पर से ऑप्शन मिल जाए, बैंक पर आ जाना है। आने के बाद गाइस आप लोग इस तरह के फॉर्म आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर से अपना ओपन ऐसा कुछ आ जाएगा। आने के बाद आपको आई डू इट लेटर पर क्लिक कर देना है, जैसे क्लिक करेगा दो टिक मार्क आएगा, क्लिक करने के बाद पोस्टिंग में क्लिक कर देना है। पॉसिबल में क्लिक करने का आपका पासकोड मांगेगा, पासकोड मांगने के बाद आपका पेटीएम जो है ओपन हो जाएगा। ओके गाइस, मैं हमको जो केवाईसी करने के लिए बोल रहा है लेकिन गाइस आपको नहीं बोलेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी केवाईसी है, आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ऐसा करते हुए इस छोटा सा वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस तरह से मतलब कि सब कुछ डिटेल्स में मतलब कि पूरा की सच जानने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाए। ओके गाइस, कोई सा भी प्रॉब्लम, कोई सा भी कुछ हो तो कॉमेंट जरूर कर देना। ओके गाइस, एंड एक लाइक तो बनता ही है गाइस, एक लाइक जरूर कर देना, इस तरह से और भी लेटेस्ट अपडेट सब कुछ पाने के लिए, और भी कमेंट करना कि आपको किस तरह से वीडियोस चाहिए। ओके गाइस, तो फिर मिलेंगे अकाउंट पर, तब तक बनाने शुरू है कर में।